इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्टबुक पास के बारे में। टेक्स्टबुक पास से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि टेक्स्टबुक पास एक्चुअली है क्या, टेक्स्टबुक पास के साथ कितने सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट कवर होता है। सब में हम लोग ये भी जानेंगे टेक्स्टबुक पास हम लोग कैसे बाय कर सकते हैं, उसमें डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं, टेक्स्टबुक में टेस्ट सीरीज कैसे देना है, अपने रैंक को कैसे देखना है, अपने एनालिसिस को कैसे देखना है, सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कितने सारे एग्जाम है। यहाँ पे एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट, डिफेंस, पुलिस एग्जाम, बीएड। उसके अलावा आप अगर यूपीसी का कैंडिडेट हो, आप अगर एसएससी के अंदर कई सारे एग्ज़ाम आता है जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया। बैंकिंग में कई सारे सेक्टर हैं, एसबीआई है, इलाहाबाद बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, इंडसइंड बैंक है, और भी कई सारे गवर्नमेंट्स बैंक हैं, यूको बैंक है। तो उस बैंक का भी एग्ज़ाम आप एक पास के साथ दे सकते हो, मतलब एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट ले तो सारे एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, राइट। उसके अलावा आप कैंपस प्लेसमेंट भेजना चाहते हो, आपका रोल है कि मुझे टीसीएस में जाना, विप्रो में जाना है, डेटलॉइड में जाना है, इन्फोसिस में जाना है, तो आप जा सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो एमबीए करना चाहते हो, आप लाइक एमबीए में आप कैट सीमेट एंट्रेंस देना चाहते हो, तो वो भी आप दे सकते हो इसी पास के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि पास क्या है, कितने सारे का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे जब हम पास है उसमें जब हम लोग आएंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे 480 ज़्यादा एग्जाम्स हैं, 35,000 मॉक टेस्ट है, 10,000 ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, एंड यहाँ पे पास का ऑप्शन थ्री पास ऑप्शन रखा गया है। एक है मंथली टेस्ट पास, एक है गोल्डन डिग्री टीम टेस्ट बुक पास, और एक है लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास, ठीक है। तो इसमें से जो भी पसंदीदा आपका है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उस पास को सिलेक्ट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप 18 मंथ टेस्ट बुक पास जो है उसको आप अभी बाई कर लीजिए। और बाई करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, BP480 का यूज़ करना रहेगा और अप्लाई कर देना रहेगा, ठीक है। BP480 का यूज़ करना रहेगा और अप्लाई कर देना रहेगा। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं UQCWN3, ठीक है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं BOI02F, ठीक है। और जो मास्ट अप्लाई करना है वो है BP480, उसको आप सब जो अप्लाई कर लीजिएगा, और अप्लाई करते ही आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मंथली टेस्ट बुक पास है, गोल्डन इंटीग्रेटेड में टेस्ट बुक पास है, और लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको पसंदीदा आता है, जो भी अच्छा लगता है, उसके साथ जा सकते हैं। और देखिए एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट अगर देते हैं, चलिए मैं एक लाइव टेस्ट देकर दिखाता हूँ कैसे एनालिसिस चेक करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चंस मास्क टोटल टाइम दिखाएगा, 500 लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहता हूँ बताएगा मुझे, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड स्टार्ट क्विज में जाऊँगा। एंड मेरा यहाँ पर क्वेश्चंस मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इसका जो टाइम मैं कितना ले रहा हूँ, प्लस मार्क्स क्या है, माइनस मार्क्स क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो आप इसको दे सकते हैं ऐसे करके, सेकेंड क्वेश्चन में जा सकते हैं, ठीक है, स्लाइड करके। आप इसको चाहें तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। अगर आपने लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन दे पाया तो सबमिट बटन में हम लोग क्लिक करेंगे। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर मेरा रैंक जो है 930 में मुझे बता दिया जाएगा कि मेरा रैंक क्या है, कितना कार्ड किया है मैंने, ठीक है, उसका रॉन्ग कितना किया है मैंने, स्किप कितना किया है, एटीएम कितना किया है, मार्क्स क्या था मेरा, एक्यूरेसी क्या था, स्पीड क्या था, सारा यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। तो यही कुछ था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और BP480 यूज़ करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग फॉर दिस। थैंक यू।